रामायण में मंदोदरी का किरदार निभा चुकी एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि 23 साल से फिल्म इंडस्ट्री से बेहद दूर है। 23 साल पहले रामायण की मंदोदरी का किरदार निभा चुकी वो एक्ट्रेस जो कि आज लाइमलाइट से दूर खर्च चलाने के लिए करती हैं। क्या काम, कैसी उनकी जिंदगी है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। रामानंद सागर के मशहूर सीरियल रामायण को दोबारा प्रसारित किया जा रहा है दूरदर्शन पर। प्रसारित होने वाले इस सीरियल में आपको बता दें मंदोदरी के किरदार में आपको नजर आ रही। अब बात की जाए एक्ट्रेस के बारे में तो एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी जिंदगी बहुत अलग है। रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभा चुकी जिस अभिनेत्री के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो फिल्मों से दूर आज बेहद ही ज़्यादा शांतिपूर्ण जिंदगी गुजार रही हैं। नाम है उनका अपराजिता भूषण जो कि रामायण से मशहूर हुई। अपराजिता हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता भारत भूषण की बेटी भी हैं। आपको मालूम होना हो उन्होंने अपने पति के अचानक उसने के बाद अभिनय की ओर रुख किया था जिसके बाद उनके दो बच्चे थे जिनका खर्चा वो खुद चलाती थी। फिल्मी दुनिया में आने के लिए उन्होंने कभी भी दिलचस्पी नहीं जताई। डबिंग में उन्होंने पहले काम किया फिर रामानंद सागर ने अपराजिता का ऑडिशन लिया रामायण में मंदोदरी के लिए और वहाँ पर उनकी तलाश पूरी हुई जब अपराजिता उन्हें मिली जिस किरदार में मंदोदरी के किरदार में वो मशहूर हुई। इसके बाद आपको बता दें अपराजिता की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। करीब 10 से 12 साल उन्होंने अलग अलग तरह के रोल किए। अपराजिता ने करियर में 50 से ज्यादा फिल्में की है। आपको मालूम होना हो परिवार के साथ फिल्मों से दूर फिलहाल वो जिंदगी गुजार रही हैं। साल 1997 में फिल्म गुप्त में वो काम करती नजर आई थी आखिरी बार, जिसके बाद अध्यात्म की ओर वो चली गई। लेखन का काम भी वो करती है और अध्यात्म से जुड़ी बातें करती हैं वो उसमें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।